I have come here specially on the train. I wanted to talk to you for a moment. तो हमारी जो ऑथरेस है वो बोलती है कि अरे मैं यहाँ पर स्पेशली ट्रेन से आई हूँ, मैं तुमसे एक पल के लिए बात करना चाहती हूँ। तो ये सुनते उस लड़ी ने जवाब, इट इज नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ। मार्क द वर्ड कन्वीनियंट, दैट वर्ड स्टैंड फॉर उपयुक्त होना या सुविधापूर्वक होना। कहती है कि मेरे लिए अभी तुमसे बात करना कन्वीनियंट नहीं है। क्यों नहीं है कन्वीनियंट? क्योंकि पिछले वाला दरवाजा खुला है, कोई घर के अंदर आया है। सेड द वुमेन, बोला कि नहीं मैं तुमसे अभी बात नहीं कर सकती। आई कांट सी यू, मैं तुम्हें नहीं देख सकती, तुमसे मिल नहीं सकती। अनदर टाइम, फिर कभी किसी और दिन आना। शी नॉडेड एंड कॉशियसली क्लोज द डोर एज दो नो वन इन साइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब। तो उस लेडी ने अपने सर को हिलाया। मार्क द वर्ड नॉडेड, दैट वर्ड स्टैंड फॉर सिर को हिलाना। कॉशियसली वर्ड स्टैंड फॉर सावधानी पूर्वक। तो उस लेडी ने हल्का सा अपना सिर हिलाया, ना मैं कि तुमसे नहीं मिल सकती। बड़ी सावधानी से दरवाजा बंद किया और इतने आराम से दरवाजे को बंद किया ताकि घर के अंदर जो लोग हैं वो हल्के से भी डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप। तो ऑथरस ये कहती है कि मैं वहीं पर खड़ी रही, सीढ़ियों पर जहां पर मैं खड़ी हुई थी। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड। मार्क द वर्ड बे, दैट वर्ड स्टैंड फॉर खाड़ी। यहाँ पर गाइज ये गलियारे के बीच का पार्ट है जहां पर एक विंडो लगी हुई है। उस पर्टिकुलर पार्ट में बच्चे एक पर्दा लगा हुआ है, वो पर्दा थोड़ा सा हिला। समवन स्टेयर्ड एट मी। मुझे ऐसे लगा कि शायद वहां से कोई मुझे घूर रहा था और मुझसे कुछ पूछना चाह रहा था। क्या पूछना चाहता था? व्हाट आई वांटेड, कि मैं क्या चाहती हूँ। और नथिंग द वुमन वुड हैव सेड। और जैसे ही वो मुझसे ये पूछेगा कि तुम यहाँ क्यों खड़ी हुई हो, कौन हो, क्या चाहती हो, इससे पहले अंदर से आवाज आएगी कि अरे नहीं, छोड़ दो उसको, कुछ नहीं, वो तो वैसे ही खड़ी है, इट वॉज नथिंग, कुछ भी नहीं है। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन। तभी मैंने अपनी आंखें थोड़ी सी ऊपर की तरफ उठाई और बाहर की नेम प्लेट जो घर के बाहर लगी हुई थी उसको देखा। गाइज नेम प्लेट से आप लोग वेल गो थ्रू होंगे, सबको पता है कि पर्टिकुलर आजकल के दिनों में सबके घरों के बाहर एक नेम प्लेट लगी हुई होती है जिससे हम लोग या कोई भी पर्सन वेल गो थ्रू हो जाता है कि ये घर किससे बिलोंग करता है। तो इस घर की भी नेम प्लेट के बाहर क्या लिखा हुआ था? डार्लिंग मार्गरेट। ये वर्ड क्या पर्टिकुलर नेम है, किसका नेम? जिस लेडी के घर हमारी ऑथरेस आई है उसका नेम क्या है? डार्लिंग। डार्लिंग इट सेड, यानी कि इस घर के बाहर लगा हुआ था डार्लिंग इन ब्लैक लेटर्स, काले अक्षरों में, ऑन व्हाइट एनेमल। एनेमल वर्ड क्या होता है बेटा? कलर, ठीक है। ब्लैक कलर्स, व्हाइट कलर की एक पट्टिका है उसके ऊपर ब्लैक लेटर्स से नाम लिखा हुआ, मिसेस डार्लिंग। ऑन द जैम, मार्क द वर्ड जैम, दैट वर्ड स्टैंड फॉर। बच्चे जो दरवाजा है उसका जो अपर हिस्सा है यानी कि जो उसका किनारा है उसको बोल देते हैं, ठीक है। इसके ऊपर जो ये ऊपरी हिस्सा है ना बच्चे, दरवाजे का, द्वार का जो किनारा है, इसके ऊपरी हिस्से पर एक नंबर लिखा हुआ है और वो नंबर कौन सा है बच्चे? दैट इज 46। तो गाइज इन लाइंस को मार्क करोगे, देखो यहाँ से ना हमारा एड्रेस बनता जा रहा है जिसके ऊपर हमारी पूरी की पूरी कंप्लीट स्टोरी रिवॉल्व करती है। तो हमारा एड्रेस क्या बन रहा है? मिसेस डार्लिंग या मिस्टर डार्लिंग का हाउस, जो भी है, उन्होंने हेड के नाम से लिखवाया होगा, मिसेस डार्लिंग के नाम से होगा, जो भी है, ठीक है। हाउस नंबर 46। एज आई वॉक स्लोली बैक टू द स्टेशन आई थॉट अबाउट माई मदर। तो जब ऑथरस ने यह देखा कि लड़ी मुझसे मिलना नहीं चाह रही, तो हमारी ऑथरस जब वापस हो लेती है किसकी तरफ बढ़ती है? बिल्कुल धीरे धीरे स्टेशन की तरफ वापस जा रही है। पर्टिकुलर उस टाइम में शी इज सेइंग कि आई थॉट अबाउट माय मदर, मैं अपनी माँ के बारे में सोच रही हूँ, हु हैड गिवन मी द एड्रेस इयर्स अगो। अपनी उस माँ के बारे में सोच रही हूँ जिसने इतने सालों पहले मुझे ये पता, ये एड्रेस दिया था। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर। अब ये एड्रेस दिया कब था? जब वॉर का फर्स्ट हाफ यानी कि आधा हिस्सा बीत चुका था। आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज एंड इट स्ट्रक मी इमिडिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड। अब ऑथरस जो है ना बच्चे, वो अपने बैकग्राउंड पार्ट में चलेगी, नॉस्टैल्जिक हो गई है, बीती हुई बातों को याद कर रही है स्टेशन पर जाते जाते। वो कहती है कि वॉर का हाफ पार्ट चल चुका था, फर्स्ट हाफ था, और उन दिनों जब लड़ाई चल रही थी तो स्कूल ओपन होने का मतलब नहीं है, तो हमारी जो ऑथरेस है वो भी कुछ दिनों से घर में थी। तभी उसको इमिडिएटली उसका माइंड जो है ना वो स्ट्रक हुआ और उसको याद आया कि उन दिनों मुझे रियलाइजेशन होनी शुरू हो गई कि मेरे घर के जो रूम्स है ना वो बदलते जा रहे हैं। अब बदलने का मतलब ये नहीं है कि घर बदल गए, कमरे बदल गए, ये वाला कमरा उठकर वहां चला गया। नो बच्चे, अगर घर का सामान भी इधर उधर उठाकर हम लोग शिफ्ट करते हैं ना बच्चे, तो वो भी क्या है, वो भी घर के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस ले आता है। तो ऑथरेस भी बोलती है कि मैंने भी मिस किया, आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, मैंने अपने घर के कमरों में बहुत सारी चीजों को मिस किया।
माई मदर वॉज सरप्राइज, आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली। अब मैं बच्ची थी और एक बच्ची होने के नाते मैंने इन चीजों को जल्दी एज्यूम कर लिया, जल्दी समझ लिया कि मेरे घर में से कुछ चीजें जल्दी इधर उधर हो रही है, इनकी घर में सामान नहीं है। तो मेरी माँ बड़ी सरप्राइज हुई। मार्क द वर्ड सरप्राइज, दैट वर्ड स्टैंड फॉर हैरान हो जाना, नोटिस करना, जांच लेना या पहचान लेना, जान लेना किसी चीज को। मेरी माँ बड़ी हैरान हुई कि छोटी सी उम्र में मैंने इन सब घर की इन सब चीजों को कैसे आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पर घर का ये सामान नहीं है। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डार्लिंग। और तब जब मैंने पूछा कि माँ घर का सामान कहाँ जा रहा है, तब मेरी माँ ने मुझे बताया मिसेस डार्लिंग के बारे में। आई हैड नेवर हियर्ड ऑफ हर, बट अपरेंटली शी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर। अब उस दिन से पहले मैंने कभी मिसेस डार्लिंग का नाम नहीं सुना हुआ था, लेकिन मुझे तभी एहसास हुआ कि शायद ये मेरी माँ की कोई ओल्ड एक्वेंटेंस होगी। मार्क द वर्ड एक्वेंटेंस, दैट वर्ड स्टैंड फॉर टू नो, किसी भी पर्सन को परिचित होना किसी इंसान से या फिर उसको जानना। मार्क द वर्ड अपरेंटली, दैट वर्ड ऑल्सो स्टैंड फॉर बाहरी रूप से। मैंने सोचा कि शायद हो सकता है कि मेरी माँ की कोई पुरानी जानकार हो, whom she hadn't seen for years. शायद मेरी माँ को भी उससे मिले काफी साल हो गए होंगे। She had suddenly turned up and renewed their contact. हाँ, ऐसा हुआ होगा कि अभी मेरी माँ उसको दोबारा से जानने लगी होगी और दोनों कॉन्टेक्ट में आई होगी। इस लाइन को कैसे समझ सकते हो बच्चे आप? लाइक अभी देखो, अभी क्लास में दो फ्रेंड्स हैं, शादी होने के बाद दोनों अलग अलग हो जाती है, काफी टाइम तक वो नहीं मिल पाती, लेकिन पर्टिकुलरली एक टाइम पीरियड फिर से आता है कि दोनों की दोनों एक शहर में मार्केट में घूमती फिर से मिल जाती है। समझ आया? तो कौन हो गए? ओल्ड एक्वेंटेंस। बीच में उनका जो बातचीत करने का जरिया था वो खत्म हो गया, लेकिन फिर दोबारा से वो एक दूसरे को मिलने लगी और जानने लगी। सिंस देन शी हैड कम रेगुलरली। और ऐसा ही हुआ, जो मिसेस डार्लिंग है ना, जब मेरी माँ से दोबारा से मिली तो उस दिन के बाद फिर से उसका हमारे घर के अंदर आना जाना शुरू हो गया। हार्डली वो हमारे घर में पहले तो कभी नहीं आई थी, लेकिन अब वो हमारे घर में रेगुलर आने जाने लगी।